हर चीज की कीमत वक्त आने पर पता चलती है। फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी अस्पताल में महंगे दामों में बिकती है। हजरत इंसान भी अजीब जिंदगी की शतरंज खेल रहा है ना। अगर लड़ाई ताकतवर से हो जाए तो फैसला अल्लाह पे छोड़ देता है, और अगर लड़ाई कमजोर से हो जाए तो फैसले खुद ही कर लेता है। वफादारी बहुत मुश्किल काम है, और हकीकतन ये काम ही तो है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन आपको पाबंद रहना पड़ता है। नहायत दयानतदारी से ये फरीजा सरंजाम देना पड़ता है। हर ताल्लुक की इंतहा बेजारी है, चाहे वो ताल्लुक हवस का हो, दोस्ती का हो या फिर मोहब्बत का हो, इसका अंजाम एक ही है, उकताहट। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आईने में नजर आने वाला शख्स हमेशा आपके साथ रहेगा। लिहाजा खुद को जानें, खुद को पहचानें और खुद की कदर करें। झगड़ा सिर्फ इतना है, मोहब्बत में तीसरा शख्स बर्दाश्त नहीं होता, हासिल हो या ला हासिल, मगर रहे सिर्फ हमारा। क्योंकि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसे तकसीम नहीं किया जाता। मोहब्बत की इंसान कोई ना कोई कीमत तो चुकाता ही है, और सबसे भारी कीमत ला हासिल मोहब्बत की चुकाई जाती है, उम्र भर की बेसकूनी और खलश। दर्द का पहला दाल निकाल दें तो रद बन जाता है, दूसरा दाल निकाल दें तो दर बन जाता है। किसी के दर से जब इंसान रद कर दिया जाता है तो दर्द मिलता है, और यही दर्द इंसान को अल्लाह पाक के दर से जोड़ देता है, जहां पे रद नहीं किया जाता। आप किसी को भी जबरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं, और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। खुशी और खुशकिस्मती दो अलग चीजें हैं। आप किसी से वक्ती खुशी तो छीन सकते हैं, उसकी खुशकिस्मती नहीं।